फैसला जिस समय लिया गया होगा उसका जनक कौन रहा होगा मैं नहीं जानती, आप में से कोई नहीं जानता, लेकिन मेरा ख्याल है कि जैसे जैसे हमारे देश में वर्किंग वुमन की प्रथा चली होगी तो डेफिनेटली, और दूसरा न्यूक्लियर फैमिली का सिस्टम जब से शुरू हुआ तो घर में कोई नहीं है, पेरेंट्स को अपने बच्चे को पीछे से देखने के लिए कोई रास्ता नज़र नहीं आता, वहाँ से इस प्रथा का उत्पन्न हुई होगी और उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजने के सिवाय कोई चारा नहीं समझा होगा। और दूसरा शायद आज की बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा कंपटीशन ने उन्होंने जब दूसरे बच्चे को कुछ ज़्यादा सीखते देखा तो उनके मन में ये जिज्ञासा, ये लालसा हुई कि क्यों ना मैं भी अपने बच्चे को इस दौड़ में शामिल करूं, और उन्होंने इस तरह से अपने बच्चों को भेजना शुरू किया होगा। चलिए डॉक्टर साहब यादव जी, आप एक प्रोफेसर हैं, अगर उस नज़रिए से मैं बात करूँ, आपके बचपन को अगर याद दिलाऊँ तो आपको आज कैसा फील होता है? क्योंकि देखिए कुछ बच्चे आपके पास ऐसे भी आते होंगे आपके कॉलेज में जो थर्ड क्लास से लेकर के अभी तक पढ़ रहे होंगे, मतलब थर्ड ईयर से, 3 साल की उम्र से मान लीजिए, और अभी तक पढ़ते हुए आए होंगे। क्या कभी ऐसा कुछ कंपैरिजन आप लोगों ने किया कि जो 8 साल के बाद 6 साल के बाद एडमिशन हुआ उसमें और 3 साल वाले में क्या गैप मिला आपको? कभी इस टॉपिक पर डिस्कशन आपके स्कूल में कभी हुआ क्या? विनोद जी, एक्चुअली हम जिस पीढ़ी से आते हैं जी, हमने अपना बचपन दिल खोल के जिया है, और बचपन में जो सीखा वो अपनी माता से, दादी से, बाबा से। जब से एकांकी जीवन शुरू हुआ, मैं डॉक्टर साहब से बहुत सहमत हूँ इस मामले में, जब से लोग एकांकी जीवन में आ गए तब से मुझे लगता है थोड़ा सा लोगों को ये लगता है कि जब से ये प्रतियोगिता का दौर शुरू हो रहा है तो हम भी चाहें कम समय में बहुत ज्यादा पा लें। जब आदमी कम समय में बहुत ज्यादा पाना चाहता है तो इस तरह से कुछ ऐसे रास्ते निकलते हैं कि बच्चों के प्रति थोड़ा सा हम लोग ज्यादा ही सेक्युअर हो जाते हैं। जब सेक्युअर हो जाते हैं तो हमें लगता है कि अगर बच्चा 2 साल का हुआ बट चलने लगा, इसको स्कूल या प्ले सेंटर भेज दी, ये ठीक नहीं है मेरे अनुसार। हमने अपना जीवन जिया है, और एज ए फादर मैंने अपने बच्चे को 5 साल का पढ़ने भेजा, मेरा ऐसा मन था और उसको मैंने फुलफिल भी किया। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि बच्चे को उसका बचपन जीने दीजिए, जो भी आप अपने ख्वाब अपने पास रखिए, उनको अपना जीवन जीने दीजिए जी। अरुणा जी जी, आपको कैसा फील होता है बाहर देख करके? और मुझे लगता है कि इसमें सभी शामिल हैं, कोई इकलौता ऐसा नहीं है, जो लिटरेट फैमिली वो भी है और जो नहीं है वो भी है, सब चाहते हैं कि मेरा बच्चा निक जाए और स्कूल जाए जी। जैसे कि अभी हाँ डॉक्टर साहब ने कहा, कुलशेष मैम ने, कि न्यूक्लियर फैमिली कंपटीशन, बट हम यहाँ एक चीज़ भूल रहे हैं, पहले हम एक माँ हैं, माँ ही इस चीज़ को इग्नोर करती है सबसे पहले, वो खुद सेक्रीफाई करती है अपने बच्चे को बाहर निकालने के लिए। क्रैच क्यों बने? माँ ने तो शुरुआत की है उसकी, जब माँ ही इस चीज़ को अवॉइड करती तो वो क्रैच बनते ही नहीं। हर माँ अपने को, अपनी आज़ादी पाने के लिए, अपने फ्यूचर को प्रॉम्प्ट करने के लिए उसने बच्चे की लाइफ को, बच्चे का जो बचपन था उसे सेक्रीफाइस कर दिया। मैं चाहती हूँ, मैं खुद एक माँ हूँ और मैं खुद वर्किंग लेडी हूँ, ठीक है, लास्ट 12 ईयर्स से आई एम कंटिन्यू डूइंग माई जॉब, लेकिन फिर भी मैं फुल टाइम अपने पूरे बच्चे को देती हूँ। जब मेरा बच्चा घर से निकलता उसके बाद मैं बाहर आती हूँ। मैं नहीं चाहती कि बच्चे का बचपन ख़त्म हो। और फिर दूसरी बात रही हमारे कि बचपन ख़त्म हो रहा है, तो इसमें जनता बाद में है, पहले हमारी सरकार है जिसने लॉ फ्रेम किए, जहाँ कि 3 साल में एडमिशन, और वो जो डेट दी गई कि एडमिशन के समय ही ये डेट रखी जाए, ना इसे आगे ना पीछे, ठीक है ना, तो स्टार्टिंग वहीं से है। तो हम चाहेंगे कि जो बच्चे की जो एज है वो मिनिमम 5 ईयर्स होनी चाहिए। जब हमारा एडमिशन हुआ था, मैं एक आर्मी ऑफिसर की बेटी हूँ, केवी से पास आउट हूँ, और 5 साल में हम फर्स्ट क्लास में गए थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब तो सिस्टम ही चेंज हो गया। तो हम बच्चे को, ठीक है, एक सिस्टम बनाया कि एडमिशन में ये होना चाहिए, लेकिन वह माँ बच्चे को थोड़ा सेफ्टी दे करके, उसको पैम्पर करके उसका बचपन को बचा सकती है, ठीक है। तो मेरा मानना है कि हम इस तरीके से सिस्टम को भी फॉलो कर सकते हैं और बच्चे के बचपन को भी जिंदा रख सकते हैं। नहीं डॉक्टर साहब, जब राइट टू एजुकेशन ये कह रहा है कि आफ्टर 6 ईयर का बच्चा
जो है वो फर्स्ट में आना चाहिए, ठीक है। हाँ, सिक्स ईयर तक का बच्चा फर्स्ट में आना चाहिए, और फोर इयर्स आफ्टर फोर के बाद जो है फोर प्लस में बच्चे को नर्सरी लेके जिम करवाना चाहिए। तो फिर इसके बावजूद भी प्ले ग्रुप का सहारा पेरेंट्स क्यों ले रहे हैं, ये नहीं समझ में आ रहा है। हमने जैसे कहा ना, बात की ना कि जैसे वर्किंग लेडी है, न्यूक्लियर फैमिली है, जो कोई है नहीं उनको रखने के लिए, तो पेरेंट्स को लगता है कि एक प्ले ग्रुप इज अ सेफ प्लेस। तो प्ले ग्रुप कितने कितने घंटे के लिए, कितने घंटे के लिए सेफ वो, यस आप कितने घंटे के लिए ना, तो वहाँ मैक्सिमम टू आवर्स, नॉट मोर देन टू आवर्स, क्योंकि एक छोटा बच्चा अपनी माँ से दो घंटे से ज्यादा दूर नहीं रह सकता है, उसको हर दो घंटे के बाद अपनी माँ की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये जो है ना, लेकिन ड्यूरेशन क्या है, अभी हम खुद देखते हैं हमारे नियर अबाउट दयालबाग में ही इतने क्रैच है कि 6 to 6 hours बच्चा, छोटा बच्चा 2 साल का बच्चा क्रैच में रह रहा है, प्ले सेंटर में रह रहा है सुबह 6 to 6:00 PM तक। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम टाइम है जो 2 hours एंड नॉट मोर देन 2 hours, बस इतना होना चाहिए। देखिए इनिशियली जब ये क्रेच का ये प्रेप का सिस्टम स्टार्ट हुआ था, उस वक्त था कि ये एक सिर्फ 2 घंटे के लिए अपने को लर्निंग के लिए भेजा जाने वाला कार्यक्रम था। साथ ही जो बच्चा स्कूल जाता था वो बेयर मिनिमम असेट्स अपने बैग में ले जाता था, हार्डली कुछ ले जाता था। उनको स्कूल में डिफरेंट टाइप ऑफ शेड्स, टॉयज एंड डे टू डे की चीजें उनके सामने रखी जाती थी। ये इनिशियल प्रेप का स्ट्रक्चर हुआ करता था। तो प्राइमरीली हमें बच्चे को विजन, उसके विजन को एक स्टेबिलिटी देने के लिए, उसकी आंखों को बहुत कुछ सिखाने के लिए पहले भेजा जाता था, जिससे वो कलर्स को डिफरेंशिएट कर पाता था, डे टू डे की चीज़ों को हाउ टू प्रोनाउंस, हाउ टू यूज, ये सीखता था। लेकिन वक्त बदला, वक्त के साथ साथ उन्हें ये चीज़ें दरकिनार कर दी गई। आप प्रेप्स में देखिए केवल एक रूम होता है जिसके अंदर ये चीज़ें रखी होती हैं, बाकी उनके बैग्स का आप वजन देखिए, उनके अंदर सारी लैंग्वेज, सारे सब्जेक्ट्स की बुक्स होती हैं। धीरे धीरे जो ABCD जो स्पेलिंग्स हम आगे सीखते थे, आजकल हर प्रेप में ABCD और काउंटिंग सिखाई जाती है। मतलब आप ब्रेन टीजिंग एक्टिविटीज रादर देन लर्निंग उन्हें देने लगे, ये हमारी फॉल्ट है, जिसके लिए ना तो कोई स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रूल है। जो जितना ज्यादा सिलेबस डाल देता है वो स्कूल ज्यादा अच्छा इसलिए कहलाता है क्योंकि उनका बच्चा जब निकलता है तो वो ज्यादा सीखा हुआ होता है। डॉक्टर साहब, 2 घंटे के लिए पहले ये प्ले ग्रुप की एक स्टार्टिंग हुई थी कि बच्चा जाएगा वहाँ उठना बैठना सीख लेगा, लेकिन 2 घंटे के बजाय आज तो 4-5 घंटे चल रहे हैं प्ले ग्रुप में भी। एक्चुअली क्या है, अगर आप इतिहास पर जाएं तो ये जो क्रैच या प्ले स्कूल शायद आगरा में 2003 ही हुआ करते थे, आई एम डिस्कसिंग अबाउट 1980s के आसपास की बात बता रहा हूँ। एक हमारे यहाँ किनी हार्ट हुआ करता था, आज भी है, उसमें 4 या 5 बच्चे जाते थे और वो 10 बजे जाते थे और 11:30 आ जाया करते थे। और जैसा मैम ने कहा, उसमें थोड़ा सा लोन भी था। आजकल क्या हो रहा है, एक बचपन ने हमारे वहीं खोला है बचपन, एक नीचे कुछ लोग रहते हैं किराए पे, ऊपर बचपन है, वो 3 साल का बच्चा स्टेयर्स नहीं चढ़ सकता है। तो जब वो स्टेयर्स नहीं चढ़ पा रहा है तो आप उसे ऊपर, पहले उसके पेरेंट्स वहाँ जाके उसे छोड़ के आते हैं, बैग में जो भी कुछ है वो हमारा है, नथिंग इज प्रोवाइडेड बाय दैट प्ले सेंटर। वो जो टीचर्स हैं वहाँ पर वो कुछ लेवल के नहीं है कि दे कैन अंडरस्टैंड द चाइल्ड, उनका लैक ऑफ एक्सपीरियंस है। वहाँ केबल और केबल हमारे, हम लोग जो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं इसीलिए अपने बच्चों को वहाँ छोड़ आते हैं। और मुझे कभी कभी बड़ा अचंभा होता है कि अगर इस तरह जिम्मेदारी से भागते रहेंगे तो लोग कहाँ जा रहे हैं मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ऐसा चाहता हूँ अगर आप वाकई में एक सभ्य समाज से आते हैं और आप थोड़ा बहुत भी ज्ञान रखते हैं, आपने बचपन जिया है तो बच्चों को उनका बचपन जीने दीजिए। डॉक्टर इंजीनियर तो सबसे ज़्यादा देश में ही बनते हैं, आगे भी बनेंगे। चलिए डॉक्टर साहब, नानक जी हमारे साथ लाइन पर, हम उनसे बात करते हैं। नानक जी स्वागत है आपका, आप पूछिए क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं। हेलो जी नानक जी, बताइए क्या प्रश्न है आपका। सर जी, अभी मैं आपका प्रॉब्लम देख रहा हूँ जी, इसमें बच्चों के बारे में डिस्कस करना है जी, पढ़ाई का। जी जी बोलिए बोलिए। मैं भी यूरोप का हूँ जी, तो वहाँ जो है एक्चुअली आबादी कम है, आबादी कम के हिसाब से वहाँ बच्चों के पूरा ध्यान रखा जाता है। कहाँ की बात कर रहे हैं आप? जी मैं केदारनगर से।
केदारनगर से? हाँ जी सर। केदारनगर में आबादी कम है? नहीं सर, यूरोप में आबादी कम है। यूरोप में आबादी कम है? जी जी। आबादी कम के कारण वहाँ बच्चों का पूरा पूरा ख्याल रखा जाता है जी, एजुकेशन से लेके हेल्थ हर चीज का। और यहाँ जो है आबादी भी बहुत बड़ी चीज है, और आपस में जो है यहाँ पर ये जो अभी मैडम ने बोला कि तालमेल सरकार का और हमारे जितने भी संस्थान है सब जी, बहुत फर्क है वहाँ पे और यहाँ पे जी। तो वहाँ के हिसाब से तो हम चल नहीं सकते यहाँ, क्योंकि वहाँ आबादी कम है तो वहाँ को अपना नहीं तो पढ़ाई सब चीजें। नानक जी, नानक जी आपके घर की आबादी मुझे लगता है 10 या 15 लोगों की होगी ज्यादा ज्यादा। कितने हैं आपके घर में सदस्य? आबादी 35 करोड़ है। नहीं नहीं, आपके घर में कितने सदस्य हैं? ये टॉकिंग अबाउट इंडिया, जो सरकार चाहती है उतने सदस्य हैं। आपके घर में ज्यादा से ज्यादा 10 या 12 होंगे? मेरे परिवार में तो 4 सदस्य हैं। 4 सदस्य हैं, तो 4 सदस्यों में आबादी कहाँ से बढ़ गई कि उनको स्कूल भेजना जरूरी है बच्चों को? सर यहाँ जो 3 साल में 2.5 साल में बच्चों का प्ले ग्रुप चालू हो जाता है, वहाँ नहीं है ऐसे, वहाँ 5 साल के बाद। नहीं तो ये जरूरी नहीं है कि अगर आपके स्कूल बगल में खुल गया पड़ोस में तो आप उसमें बच्चे भेजें, ये तो आपके आपके मानसिकता पर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं, बच्चों को भेजना चाहते हैं या अपने घर में रोकना चाहते हैं, क्योंकि इसमें आबादी का कोई लेना देना नहीं है। ऐसा है, स्कूल भी कुकर मुक्तों की तरह खुले हुए हैं। तो आप उत्साहित हो जाते हैं स्कूल में भेजने के लिए? जी हमारे साथ नानक जी, नानक जी प्रॉपर तरीके से जो सरकार के मानक उस आधार पे हो। नानक जी, नानक जी सरकार को दोष हम देते हैं और पुलिस को हम दोष देते हैं, लेकिन हम खुद नहीं सुधरना चाहते हैं। शायद फिलहाल 2 मदर्स हमारे साथ बैठी हुई यहाँ पर, हम उनसे आपकी आपके प्रश्नों का जवाब दिलवाते हैं। जी अरुणा जी, डॉक्टर साहब, नानक जी हैं लाइन पर, ये कुछ जानना चाहते हैं और पेरेंट्स के और बच्चों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको। सवाल पूछें जी, पूछिए सवाल, क्या पूछना है नानक जी? आप सुन पा रहे हैं हमें? मेरे पड़ोस में छोटा सा उदाहरण है, छोटा सा बच्चा है 2 साल का। जी, आप जी जी सर, उसको उसकी मदर अभी से कहती है बेटा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बेबी। तो जिस बच्चे को अभी तक अपने बारे में मालूम नहीं है मैं क्या हूँ कैसे हूँ। ओके सर, एक तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ देख के, भाई क्या हो रहा है। जी सर एक मिनट, मैं कुछ कहूँ? हाँ बिल्कुल। जैसा कि अर्जुन ने बताया था चक्रव्यूह का, ठीक है? हाँ जी। तो उसने अभिमन्यु ने अपनी माँ के पेट में ही सीख लिया था कि चक्रव्यूह को कैसे भेदना है, राइट? बिल्कुल सही। है ना, तो एक जो बच्चा हाँ। होता है वो माँ की पेट से ही सीखता है। बाकी रही बात ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल, इट डजंट मैटर, ठीक है? माँ जो है फर्स्ट टीचर है बच्चे की, और जैसा माँ सिखाएगी बच्चा वो जल्दी कैच करेगा, अदर कंपेयर टू टीचर, है ना? टीचर के इतनी जल्दी से नहीं, क्योंकि टीचर का एक स्ट्रिक्टली आंखें फाड़ के स्ट्रिक दिखा करके, और माँ जो है, है ना, माँ जो है वो अपने लाड से अपने बच्चे को जानती है कि उसका बच्चा किस तरीके से उस बात को हैंडल करेगा और कैसे उसकी बात को मानेगा, उस तरीके से वो सिखाएगी। तो जो हम एग्जाम्पल देते हैं ना कि अर्जुन वाला, वो बिल्कुल ट्रू है। और हम इंडिया से हैं, इंडिया एक ऐसा डाइवर्सिटी कंट्री है जहाँ हर तरीके के लोग रहते हैं हमारे बीच में। जी जी, और कोई प्रश्न है आपके साथ? डॉक्टर स्मिता कुलश्रेष्ठ जी भी है, वो तो महाभारत उस जमाने की बात है। नहीं हम महाभारत नहीं सर, तो हम महाभारत थोड़ा संभलने का टाइम मिलना चाहिए। हाँ बिल्कुल, संभलने का तो हम वही बात तो कर रहे हैं कि जो हम सिखा रहे हैं, संभलेगा नहीं वो अपने आप को नहीं जानेगा, ठीक है? एक मिनट, हम बच्चे को ये भी तो सिखाते हैं कि बेटा ये पानी है, ठीक है? सिखाते नहीं सिखाते? यदि हम ये कहें कि पानी नहीं है ये दूध है तो क्या बच्चा सीखेगा? तो फिर एफ ओ ए फॉर एप्पल क्या बुराई है अगर हम उसे सिखा रहे हैं? कोई बुराई नहीं है, मेरे कहने का मतलब बच्चा संभले तो सही, तो हाँ बच्चा, मैंने क्या कहा, बच्चा एक माटी होता है, कच्ची माटी, उसको हम जो शेप देंगे वो उसी शेप में जाएगा, चाहे फिर हम एप्पल सिखाए या दूध सिखाए या पानी। बात हम बात आज कर रहे हैं बचपन की, कि जो क्रेच है और ये जो प्ले ग्रुप है उसको थोड़ा अवॉइड किया जाए, और इसकी जो प्ले ग्रुप की जरूरत ही क्यों पड़ी? जब नर्सरी में बच्चा जा रहा है तो हम माँ और फादर या घर में बड़े लोग और भी हैं, ऐसा नहीं कि माँ ही सारी ज्ञान जानती है, उनके जो बड़े हैं इन लॉज हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो भी नहीं सिखा सकते। और कोई प्रश्न है? डॉक्टर स्मिता कुलश्रेष्ठ जी भी है आपके साथ में। कुछ ना कुछ ग्रहण करता है। जी जी जी, नानक जी, नानक जी, नानक जी आप क्या करते हैं? सर मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं अभी यूरोप में हूँ। जी आपके बच्चे तो होंगे, आपके कार्यक्रम फोकस करता हूँ।
आप नहीं, ये तो अच्छी बातें चली, आप हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन आपके बच्चे तो होंगे, आपने कितने साल स्कूल भेज दिया? सर मेरे बच्चे तो बहुत बड़े हैं, मेरे बच्चे तो एम की और सी एफ कर रहे हैं। नहीं, जब भेजा था तब कब भेजा था, कितने साल में? सर मैं कुछ 5 साल की उम्र में स्कूल गया था। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आप अपने बच्चों की बात बताइए, कब भेजा था? मैं अपने बच्चे को 4 साल में भेजा था। 4 साल में भेजा था। पड़ोसियों से कभी आपने कहा कि 3 साल में 2 साल मत भेजिए? किसको? पड़ोसियों से आपने कभी कहा कि 3 साल में 4 साल, 3 साल में 2 साल मत भेजिए? मैं किसी, मैं, मेरे को राइट नहीं है कि मैं उसको एडवाइस दूं, मैं तो देख रहा था भाई बच्चे को क्या कर रहे हैं लोगों। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया नानक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आपके पीड़ा को समझ सकते हैं लेकिन आप लोगों को सलाह नहीं दे सकते हैं, ये भी बात सही है कि अगर सलाह दें तो लोग उसी को जो है कहेंगे नहीं तुम्हें कुछ नहीं पता है। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी चीज़ है कि फॉरेन कंट्री में और ख़ासतौर पर नॉर्थ यूरोपियन कंट्री में अब ये है प्रचलन की अब 6-7 के बाद एडमिशन करिए आप, उनका जो सेल्फ कंट्रोल है वो कुछ ज़्यादा है, जो 3 और 2 ईयर्स 3.5 साल के बच्चों को जो स्कूल भेज रहे हैं, पहले वो भी करते थे ऐसे, लेकिन जब उनको ये लगा कि कहीं ना कहीं जो है बड़े होकर भी बच्चों का सेल्फ कंट्रोल डगमगाता है, इवन अगर 6-7 ईयर्स के बच्चों की अगर बात करें तो उनकी अपेक्षा, तो फिर इंडिया जो एक धार्मिक कंट्री है, जो कल्चर सभ्यता की कंट्री बताई जाती है, भिन्न भिन्न के यहाँ पे लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न की संस्कृति है, सभ्यता है, और इतना एटमॉस्फेयर यहाँ पर, इतना अच्छा वातावरण है, गर्मी सर्दी बरसात सब भगवान ने दिया हुआ है, उसके बावजूद भी लोग आखिर इस धार्मिक हिंदुस्तान में ऐसा क्यों कर रहे हैं, बच्चों के साथ अत्याचार की नहीं समझ आ रहा है? देखिए, एक छोटी सी चीज हमें सीखनी होगी, हम सिर्फ एक दूसरे को दोष देते हैं, हमें एक कुछ छोटी छोटी चीजें सीखनी होंगी कि बच्चा जब 2 साल का होता है वो 3 चीजें मुख्य तौर पर सीख पाता है, एक खाना मांगना या खाना, दूसरा टॉयलेट और तीसरा लोगों को पहचानना। इन 3 चीजों को अगर आप निगाह में रखें तो 2 साल के बच्चे को, जिसको कभी भी कहीं भी अपनी माँ से, अपने घर के किसी भी मेंबर से टॉयलेट ले जाने के लिए कहने की आज़ादी थी, वो आपने छीन ली, अब वो समय से बंधा हुआ है। अगर 15-15 मिनट से वो 3 बार टॉयलेट के लिए कहेगा तो डेफिनेटली टीचर आँख दिखा देंगी। दूसरी चीज, भोजन। वो घर में हर वक्त कुछ भी खाने के लिए आजाद था, कहीं भी कुछ भी, अब उसने उसको घड़ी से बांध दिया जी। अगर आधे घंटे बाद वो कुछ खाने को मांगता है तो डेफिनेटली उसको नहीं मिलेगा जी। तीसरी, हमने उसको कुछ लोगों को पहचानना सिखाया, माँ का प्यार सिखाया, पिता की स्ट्रिक्टनेस सिखाई, दादा दादी का प्रेम और भाई का खेलना सिखाया। इन 4 चीजों को पहले हमने सिर्फ 2.5 घंटे के लिए बांधा था, अब हमने 5 या 6 घंटे के लिए बांध दिया। इसमें से हम उसे कोई भी चीज नहीं दे रहे, हम बच्चों से, वो जिन बच्चों के बीच में रह रहा है उनसे हम झगड़ने भी नहीं दे रहे, खेलने भी नहीं दे रहे, सिर्फ सामने की ओर देखकर टीचर की बात को सुनने के लिए दे रहे हैं, जबकि 2 साल के बच्चे को कॉन्सेंट्रेट करने जैसी किसी भी चीज को लर्निंग की उम्र ही नहीं है, ये उसकी उम्र ही नहीं है कि इन छोटी छोटी चीजों को कॉन्सेंट्रेट करे। तो हमने बचपन में ही जब बच्चे को भटकाव दे दिया, उसकी रिक्वायरमेंट्स को, हम जरूरतों को फुलफिल नहीं कर रहे, तो जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो विद्रोही हो जाता है। चलिए, कॉलर हमारे साथ इस वक्त विनीत। विनीत जी, स्वागत है आपका सीनियर से जुड़ने के लिए, क्या प्रश्न है आपका, क्या एडवाइस देना चाहते हैं, बोलिए। किया है और करीब अगस्त में वो 3 साल जी और वहाँ पे मेरे बच्चे हैं। तो अभी आवाज कम आ रही है आपकी, थोड़ा तेज बोलिए, अगर टीवी देख रहे हो तो टीवी का अलार्म बंद कर दीजिए। नहीं, टीवी का नहीं है, मैं आपसे टीवी आवाज सुनता है जी जी हाँ मैं 2 साल 11 महीने की बच्ची है मेरी जी, और तो दिलाबाग में रहता हूँ मैं, मगर मेरी वाइफ जॉब करती है कागज में, टेटा कागज सुना होगा आपने, तो वहाँ पे हमने उसका एडमिशन करवाया, अभी प्ले स्कूल में एडमिशन करवाया वो जी। अभी दिक्कतें हमको जो आ रही है वो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, और उसके ऊपर भी आपसे एडवाइस देना की अभी 1 हफ्ते से स्कूल जा रही है, 1 हफ्ता कंटिन्यू वो स्टूडेंट
मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, और इवन आज से ही जो शाम होती है तो शाम से ही वो हमको जैसे हम लोग भूमिका बनाते हैं सुबह के लिए कि आपको अब सुबह स्कूल जाना है, आपका टिफिन है, आपका लंचबॉक्स है, आपकी पानी की बॉटल है, वो भी शाम से हम लोग को समझाने की कोशिश करना शुरू कर देती है कि मुझे स्कूल नहीं जाना है, मुझे टीचर मुझे डांटती है, वो मुझे पता है कि वो शायद झूठ बोल रहे होंगे, कि वो इतना मजे से टीचर में डांटती है, वो उसको भी जाना नहीं चाहती. क्या ये एज सही है? दो महीने, दो साल, ग्यारह महीने की होती है, मेरी एज तो अब उसके प्ले स्कूल में नहीं भेजेंगे तो वो डिले होगा जी. देखिए अगर अगर दो साल ग्यारह महीना आप बता रहे हैं, लगभग तीन साल पूरे होने को है, तो तीन साल बचपन में बच्चा केवल चलना सीखता है, ठीक है, और बोलना सीखता है. मेंटली प्रेशर उसके ऊपर अगर डाला जाएगा तो बच्चा जो है जो सेल्फ जो कंट्रोल है उसका आगे चल के वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, और आप साथ आप लोगों से जो उसका व्यवहार है वो भी शायद जो है थोड़ा दूषित हो जाएगा. फिलहाल यहाँ प्रोफेसर बैठे हैं और डॉक्टर बैठे हुए हमारे साथ, उनसे भी आपको एडवाइस दिलवाता हूँ. डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है इनके बच्चे को देख करके? देखिए आपकी बात सुन के मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये हमारी समाज के होते हुए पेरेंट्स का बच्चे पर टॉर्चर है. हम रात से ये भूमिका बनाते हैं कि सुबह तुम 7 बजे ऐसे सजा के सफर पर जा रहे हो जिसमें तुम्हें 5 घंटे परेशान होना है, तो वो डेफिनेटली आपको कभी भी कोऑपरेट नहीं करेगा. अच्छा हो कि आप कुछ प्रेप हैं जो अभी भी सिस्टमैटिक स्टडीज कराते हैं, लर्निंग कराते हैं, रादर देन स्टडीज लर्निंग कराते हैं. आप शहर में उन प्रेप्स को तलाशिए जहां पर क्यूब्स, कलर्स, टॉयज, स्टेयर्स, गार्डन, इन चीजों का सहारा लेकर 1 साल तक बच्चे को सिखाया जाता है. आप विश्वास मानिए इस तरह की ट्रेनिंग के बाद भी आपका बच्चा किसी नर्सरी में एडमिशन के लायक उतना ही काबिल होगा जितना किताबों के सहारे सिखाए जाने के बाद. जी अरुणा जी,